नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम आपके कमेंट हमारे जवाब में। साथियों, BSTC परीक्षा की कट ऑफ को लेकर के प्रदेश के ज़्यादातर परीक्षार्थी इस समय असमंजस की स्थिति में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि BSTC की कट ऑफ को जब आप समझें, इससे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि BSTC की तरफ से कभी भी कट ऑफ के संबंध में डेडलाइन जारी नहीं की जाती। आज इस वीडियो में आप आपको समझाने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर आपको कितने मिनी कम से कम अंक पर काउंसलिंग करवानी है जिससे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आखिर तक परीक्षार्थियों में इसी बात को लेकर असमंजस रहता है कि आखिर हमें कॉलेज कितने अंक पर मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपको कम से कम कितने अंक आए तो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। देखिए साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, BSTC का जिस दिन परीक्षा परिणाम जारी होगा उस दिन आपको ये डेडलाइन खींच लेनी है कि इसके ऊपर आपको काउंसलिंग करवानी है और इसके ऊपर आपको कॉलेज कहाँ मिल सकता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि डाइट कॉलेज और आपको अपने आसपास का जो कॉलेज है वो केवल टॉप मेरिट्स के आधार पर यदि आप अपनी चॉइस ठीक रखते हैं तो ही मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में हम कुछ आपकी और भी कमेंट है, कुछ अलग सवाल है जिनको शामिल करने वाले हैं। इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है ये आपके लिए बेहद जानकारी भरा हुआ हो सकता है, इसलिए इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। जो साथी पहले बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे बता दूं कि ये चैनल राजस्थान के जो बेरोजगार परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको समर्पित चैनल है। BSTC, PGT, स्कूल, कॉलेज, पुलिस, पटवार, रीट से रिलेटेड यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर मैं आपके प्रॉब्लम जो है उसके समाधान का पूर्ण प्रयास करूँगा। देखिए साथियों, PTT के बारे में बहुत से साथियों के द्वारा क्वेरी क्वेश्चन पूछा गया कि PTT परीक्षा क्या क्या 16 सितंबर को आयोजित होगी। बिल्कुल 16 सितंबर को साथियों, मेरे चैनल के द्वारा मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि PTT 15 से 38 सितंबर के बीच कभी भी आयोजित की जा सकती है। जैसा उचित लगेगा डूंगर कॉलेज को और सरकार को उसी संदर्भ में आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो दो पारियों में 16 सितंबर को PTT आयोजित की जाएगी, जिसमें मैं आपको बता दूं जो आपका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 367,662 परीक्षार्थी हैं, जबकि 4 वर्षीय जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें 189,478 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। लगभग प्रदेश भर में 2100 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे जो खास साथी है जिनके द्वारा सवाल पूछा गया, जिनमें सबसे पहले जिनकी कमेंट हम शामिल करने जा रहे हैं वो हमारे साथी विजय अश्वाल जी पूछ रहे हैं कि सर, मेरे 375 से 381 हैं SC में। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो साथी हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, हम स्पष्ट कर चुके हैं कैटेगरी वाइज हमारे चैनल के द्वारा जो कट ऑफ है उसको भी अपलोड कर दी गई है। आप या तो हमारी जो ज्ञानधारा अरसोली चैनल की वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें लगातार, वहाँ पर हमने कट ऑफ इस वर्ष की और पिछले साल जो कट ऑफ रही थी उसका तुलनात्मक आंकड़ा टेबल के वाइज दे रखा है। इसके लिए आप गूगल पर जाइए, ज्ञानधारा अरसोली .blogspot.com सर्च करिए, वहाँ पर हमारा जो चैनल है उसका जो ब्लॉग का पेज है वो खुल जाएगा। वहाँ पर आप BSTC से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसको देख सकते हैं। कट ऑफ का विश्लेषण भी हमने वहाँ पर बच्चों अच्छे तरीके से बता रखा है। और जो साथी YouTube पर जुड़े हुए, YouTube पर भी हमने वो वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखें। इसी के साथ साथियों, जो अगली कमेंट आ रही है प्रशांत जी की, पूछ रहे हैं सर, फिजिकल हैंडीकैप वालों को कट ऑफ क्या रही। देखिए, फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं उनकी अपनी ही कैटेगरी में रिजर्वेशन होता है, सिर्फ 2 से 5 अंक तक का फ़ायदा हैंडीकैप वालों को मिलता है, वो आप अपनी कैटेगरी में ही हासिल कर सकते हैं। मारवाड़ी फिल्म्स की तरफ से ये इनकी आईडी होगी, ये पूछ रहे हैं कि 420 OBC आपको निकटतम डाइट कॉलेज मिल जाएगा। न्यूज़ सुपर क्लास ये पूछ रहे हैं सर, MBC 385 100% आपको आपका निकट चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा।
बनवारीलाल बागड़ी जी पूछ रहे हैं कि सर 260 नंबर आ रहे हैं, एससी से हैं तो विकलांग हैं। तो देखिए विकलांग आप भले ही हैं, 260 अंक में एससी में आपको बीएसटीसी में कॉलेज मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप स्पष्ट रूप से समझ लें, बीएसटीसी में कॉलेज मिलने के आपको चांसेज ना के बराबर हैं। ललित कुमार बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। पुरुषोत्तम राम, बिल्कुल पुरुषोत्तम राम जी, फिलहाल टाइम की शॉर्टेज है जिसके चलते हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। जल्दी आपकी समस्या के समाधान के लिए हम लाइव आने का प्रयास भी करेंगे, इससे पहले हम आपको हमारे कम्युनिटी टैब में ज़रूर इसके बारे में सूचना दे देंगे। एन आर राठी जी पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में कितने नंबर होने चाहिए। देखिए प्रत्येक कैटेगरी वाइज सेकंड लिस्ट में 10 से 15 नंबर कम जिनके होते हैं वो साथी यदि काउंसलिंग कराते हैं तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेज हो जाते हैं। अभिनव गुजर पूछ रहे हैं कि सर 12वीं क्लास में संस्कृत नहीं हो और संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। देखिए पहली अनिवार्यता फॉर्म भरवाते वक्त यही होती है कि आपके पास कक्षा 12 में संस्कृत होना अनिवार्य होता है। डेई सिंह जी पूछ रहे हैं सर एससी 350, बिल्कुल सर डेडलाइन पे हैं, आप ऑल राजस्थान ऑप्शन के साथ बने रहें, आपको जरूर सेकंड काउंसलिंग तक की कॉलेज मिल जाएगा। शीश पाल चौधरी ओबीसी से हैं, 440 नंबर इनके बन रहे हैं, अगर 440 ओबीसी में हैं तो आपको आपका जो टॉप चॉइस का नंबर वन कॉलेज है वो मिल जाएगा। ईशा यादव, सर प्लीज़ गिव मी योर नंबर, आई वांट टू काउंट यू आई एम। देखिए ये मोबाइल नंबर चाह रहे हैं। देखिए साथियों यदि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करिएगा, वहाँ पर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक है वहाँ पर जाकर भी आप कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आशीष कुमार मीना, सर 2019 की कट ऑफ कितनी गई थी। मैं फिर बता रहा हूँ, जो साथी 2019 और 2018 तक की कट ऑफ देखना चाहते हैं सीधा गूगल में टाइप करिए gyandharaarsholi.blogspot.com और वहाँ पर ऊपर पेज में आपको मिल जाएगा बीएसटीसी 2020, वहाँ पर आपको बीएसटीसी 2020, 18 और 19 तीनों की कट ऑफ हमने अवेलेबल कराई है, तीनों की टेबल वहाँ पर जाकर के आप एक बार जरूर देखें। हमारे ब्लॉग को नियमित रूप से जरूर विजिट करते रहिएगा लेटेस्ट बीएसटीसी से जुड़ी अपडेट के लिए। फिजा बानो पूछ रही सर ओबीसी में कितने नंबर वाले का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। 380 से 400 अंक वाले ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यदि आल राजस्थान ऑप्शन के साथ आप बने रहते हैं तो। श्री राम यादव, बिल्कुल धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। सनवेर खान ओबीसी 370, सर फर्स्ट काउंसलिंग से ही आप ऑल राजस्थान ऑप्शन के साथ बने रहें तभी कॉलेज मिलने के चांसेज होंगे। सारिका नमूना, बिल्कुल धन्यवाद आपको। सुभाष कुमार मीना, सर टीएसपी की बताइए। देखिए टीएसपी की कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ, टीएसपी की कट ऑफ अंडर 300 जितने भी होते हैं उनको लगभग कॉलेज मिल जाता है। दिलीप प्रजापत, 2021 में बीएसटीसी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बीएसटीसी 2020 में लॉकडाउन के दौरान जब असमंजस की स्थिति में थे तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको बता दिया था कि बीएसटीसी सरकार के द्वारा हर हाल में आयोजित कराई जाएगी। इसका बड़े वजह हमने बताई थी कि परीक्षार्थियों का रुझान, लगभग 7 से 7.5 लाख परीक्षार्थी आवेदन करते हैं, ये बड़ी वजह है जो बीएसटीसी प्रत्येक वर्ष कंडक्ट कराने को मजबूर कर रही है। तो निश्चित रहे अगले साल भी बीएसटीसी कंडक्ट कराई जाएगी। सुरेश जी पूछ रहे हैं कि 2019 में बीएसटीसी की लास्ट कट ऑफ ओबीसी की 381 रही थी। बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग तक की आप हमारे टेबल देख सकते हैं, हमने हमारे जो ब्लॉग पेज है उस पर इसको उपलब्ध करा दिया है। मनराज मीना, एसटी 340 बिल्कुल काउंसलिंग करवाइएगा। संदीप सारन ओबीसी 350, पहली काउंसलिंग से ही आप
केवल और केवल एकमात्र आल राजस्थान ऑप्शन भरें, तभी थर्ड काउंसलिंग तक कॉलेज मिल सकता है, वरना चांसेस बहुत कम है। राज जोशी, सर स्पेशल बीएसटीसी वाले रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, स्पेशल वालों के लिए प्रत्येक भर्ती के अंतर्गत सीट उपलब्ध होती हैं, उनकी भी हर भर्ती वैकेंसी के अंतर्गत सीटें आती हैं। रवि शर्मा, बिल्कुल धन्यवाद सर आपका। महीपाल जी पूछ रहे हैं एससी में 390 100% फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिलेगा। अभिमन्यु सिंह, सर बीएसटीसी बीएड प्लीज बताएं। देखिए, हमारे चैनल पर हमने ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको बताया कि आप बीएसटीसी करें या बीएड। थोड़ा सा साथियों मैं आपको बता दूँ, ब्रॉड मैटर है। यदि आपकी जिज्ञासा है, सभी साथी चाहते हैं कि एक वर्ष से मैं आपको बीएसटीसी और बीएड दोनों में बेहतर क्या है इसके बारे में बताऊं, तो इस वीडियो के जो कमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आप सभी चाहते हैं कि बीएसटीसी और बीएड में क्या करना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। यदि आप सुझाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको बीएसटीसी और बीएड दोनों के महत्व बता करके बताने का प्रयास करूँगा कि आप कौन सा कोर्स करें। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीएसटीसी एक शॉर्टकट मेथड है, जबकि आप में इंटेलिजेंसी है तो आप बीएड करने का प्रयास करें। हमारे चैनल से जुड़े हुए एक साथी हैं रामनिवास जी, उनके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसको मैं बीच में ले लेता हूं, क्योंकि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए होते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो प्रत्येक की जो प्रॉब्लम होती है वो मैं अपनी प्रॉब्लम समझता हूं। तो रामनिवास जी के लिए मैं बता देता हूं कि आपने गलती तो कर दी है, संस्कृत आपने जनरल स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, हिंदी फॉर्म में भरा था, लेकिन आप संस्कृत के क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए, मैं फ़िलहाल आपको ये बता देता हूँ कि 30 जो क्वेश्चन उसको आप माइनस ही करके चलें, हर हाल में उसको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो भूल है वो आपने की है। क्योंकि फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक होती है तो उसमें सुधार का मौका बीएसटीसी देती है, लेकिन ये एक ऐसा मौका जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। रामनिवास जी, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि आपका मूड भी यह सुन के बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परीक्षार्थी उम्मीद करते हैं साल ख़राब नहीं हो, लेकिन देखिए जीवन का एक हिस्सा है गलतियां होना, इससे हम सबक भी सीखते हैं, हार नहीं माननी चाहिए। आपको मैं फिर बता देता हूं, जीवन में असफल और सभी होते हैं, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सबक लेकर के और आप अच्छा करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि असफलता ही सफलता के दरवाजे खोलती है। ये मैं मेरे जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं, आप अच्छी तरह समझ लें। अपनी किस्मत पर भरोसा रखें, शिक्षा विभाग की तरफ से, आपकी किस्मत की तरफ से यदि साथ दिया जाता है तो आपके क्वेश्चन चेक किए जाते हैं, तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा, नहीं तो आपके सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, अपने आप से समझौता कर लें, क्योंकि गलती तो आप कर चुके, आगे इस गलती को ना दोहराएं, इसके लिए आप बहुत ही सचेत रहें और इस सबक को अपने हृदय में संजो करके रखें। अगली जो हमारी कमेंट आ रही, सुरेश सोनी जी, 11वीं क्लास की पढ़ाई कब शुरू होगी? तो 11वीं 9 से 12 ऑप्शनल होगा, आप 21 सितंबर से स्कूल आ सकते हैं और अपनी शिक्षा रख सकते हैं। लगभग एक माह पहले हमारे किसी साथी ने कमेंट करके पूछा था कि फर्स्ट ईयर वाले जो हैं उनको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन नॉन कॉलेजिएट प्राइवेट स्टूडेंटों को प्रमोट नहीं किया गया, कब किया जाएगा? तो मैंने एक महीने पहले हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथी, उनको बता दिया था कि प्राइवेट वालों को भी प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसकी बड़ी वजह ये है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के फॉर्म जुलाई अगस्त में भरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों के अक्टूबर नवंबर में जाके सीधा यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जाते हैं। तो इससे पहले ही सरकार आपको जरूर प्रमोशन के आदेश दे देगी, और ये हो भी चुका है, आप देख चुके हैं प्रमोशन के ऑर्डर हो चुके हैं फर्स्ट ईयर वाले जो नॉन कॉलेजिएट हैं उनका। अब बात बचती है किन की? बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर वालों की, तो आपको भी जल्द ही प्रमोशन देखने को मिल जाएगा सरकार की तरफ से। गणेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर पीडब्ल्यूडी विकलांग बच्चों की कट ऑफ कितनी जाती है?
देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, विकलांग जितने भी होते हैं उनका अपना कैटेगरी में ही आरक्षण होता है, जिसकी जो कैटेगरी होती है उसी कैटेगरी में उसको आरक्षण दिया जाता है। दीवान सिंह जी ओबीसी में है, R370 आल राजस्थान ऑप्शन के साथ फर्स्ट काउंसलिंग से बने रहेंगे तभी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा कोई चांसेज नहीं है। पपला गुजर MBC कट ऑफ आपको 370 पर काउंसलिंग करा देनी है, पूरे चांसेज हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। अमन सिंह जी MBC बिल्कुल काउंसलिंग करवाइएगा। तेजपाल भील बिल्कुल काउंसलिंग करवाइएगा। बसंत स्वामी अभी सर शामिल नहीं किया जाएगा बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में, इस संबंध में सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। मोहित जी पूछ रहे हैं 360 में आपको काउंसलिंग करवानी है। मोहित जी विशाल EWS 285 EWS बिल्कुल असमंजस में रहने वाली कैटेगरी है, रिजल्ट आने के बाद ही आपको स्थिति बताएंगे। फिलहाल 325 तक के जो कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग जरूर कराने का मानस बनाए रखें। कुलदीप जी पूछ रहे हैं BSTC की रियल आंसर की BSTC अभी जारी कर देगी, लेकिन जो आंसर की आ चुके हैं उनमें 2-4 क्वेश्चन का फेरबदल होता है, आप ज़्यादा चिंता ना करें। किशोर सियाग जी बिल्कुल काउंसलिंग कराएं सर आप। उदय सिंह जी बिल्कुल। नरेश सेवना साथियों वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी, मैं फटाफट हमारे चैनल के जो साथी उनके नाम पढ़ देता हूँ, कमेंट मैंने आपके रीड कर लिए, जवाब जरूर दिया जाएगा। RD गोदारा जी बिल्कुल धन्यवाद। लोकेश प्रजापति लैपटॉप योजना के बारे में जैसी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। ललित मीना रिंकू सैनी मुकेश कीर जी हमारे चैनल से लगातार मुकेश कीर जी जुड़े हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कट ऑफ के बारे में लगातार हम बता रहे हैं मुकेश जी। विकास आचार्य दीपक देशवाल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूँ, BSTC और PTT जो BEd फर्स्ट ईयर वाले उनको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। प्रशांत जी दीपक यादव बिल्कुल धन्यवाद सर आपको। हितेश जोशी भागीरथ सेन बिल्कुल भागीरथ जी आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। रोहित चौधरी जी प्रवीण कुमार मुकेश व्यास शंकर शर्मा गोविंद लाल नवीन चौबे जी विशास जुरिया विजय खोईवाल जी जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े ही रहते हैं नीरज गौड़ हरिनारायण भागोड़ा जी रामनिवास जी पप्पन शर्मा जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं बिल्कुल धन्यवाद सर आपको। जितेंद्र सैनी सुंदरलाल जी देव मीना प्रकाश चंद्र शहीन खान महिपाल सिंह सैन सेन राधे मेघवाल अतुल जांगड़ ये हमारे जो साथी लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं। तो साथियों आप भी लगातार बने रहे हमारे साथ में, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट के आधार पर मैं आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करूँगा। क्योंकि साथियों मेरा उद्देश्य जो भी बेरोजगार साथी हैं उनकी जो समस्या है उनका समाधान करना है, उनमें आत्मविश्वास जागृत करना है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी साथी को ऐसा लगता है अविश्वास की भावना है सफलता का मार्ग नहीं मिल रहा है तो आप खुल के मुझे बताएं, मैं आपको जरूर संबल देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो BSTC की PTT की रीट की ये सीरीज साथियों लगातार चलती रहेगी, आपका स्नेह आपका प्यार इस चैनल के साथ लगातार इसी प्रकार बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का BSTC में सिलेक्शन हो ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर देना, क्योंकि मेरे चैनल से मेरे वही साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार मेरे को देखते हैं सुनते हैं। इसलिए आज मैं आपसे ये प्रोमिज करवाना चाहता हूँ कि सभी एक बार लाइक बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि साथियों ये बात मैं कभी कभी बोलता हूँ हमेशा कभी भी नहीं कहता। और जो नए जुड़े हुए साथी मैं आपको बता दूँ शिक्षा से जुड़ी तमाम आपकी समस्याएं इसी प्लेटफॉर्म पर हम हल करने का पूरा प्रयास करते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम सभी जितने भी बेरोजगार साथी एक मंच पर इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं। मैं आपको वो प्लेटफॉर्म वो मंच देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ जिससे हमारे सभी बेरोजगार साथी इस मंच पर एक साथ इकट्ठा हो सके, अपनी राय अपने विचार सभी एक मत से रख सके। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, नमस्कार।